ट्रेन भाई साहब इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है चेन्नई वाला ना गजे। और ये ट्रेन का नाम है आपका तमिलनाडु एक्सप्रेस, चेन्नई से ही चलेगी दिल्ली ये पहुंचेगी और समय लगेगी कम से कम 30 से 32 घंटा। ट्रेन में एक नाटक ये भी होता है ना कि जो लोग बैठे होते हैं उनको हटाना भी पड़ता है कि भाई ऐसी ढमारी है ऐसा बताना। और खाने के लिए ना ट्रेन में आ गया, बिरयानी आ चुकी है। ट्रेन में बैठे नहीं और 5 मिनट नहीं हुआ और ट्रेन में जो जो मिलता रहेगा ना वो आपको बताते रहेंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, बढ़िया? आज मैं आपका हूँ चेन्नई में और पिछले वाले ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा ना तो हम लोग आपका श्रीलंका से चेन्नई आ गए थे बाई फ्लाइट और एक दिन मैं आपका चेन्नई में रुका हुआ था, काफ़ी ज़्यादा थक गया था क्योंकि भैया पूरी हमारी यात्रा को ना लगभग 20 से 22 दिन श्रीलंका की यात्रा को कम्प्लीट हो गए थे, जिसके बाद भैया एक दिन का रेस्ट तो बनता है। तो हम भैया इसी होटल में हम रुके थे, लेकिन जब हमको ये होटल मिला हुआ था ना तब बड़ा शानदार सा था, बड़ा खूबसूरत सा होटल था, लेकिन अब जब हम इसको 2 दिन का छोड़ रहे हैं हम इसको और शानदार सा करके जा रहे हैं क्योंकि भैया यार दिन भर ना सोए थे। सोचा था कि चेन्नई आया हूँ, चेन्नई में मरीना बीच एक्सप्लोर करूँगा, बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन कर नहीं पाया कुछ भी। तो बट फाइनली आज हमारी रात की ट्रेन है आपका चेन्नई से दिल्ली के लिए। ट्रेन का नाम क्या है? तमिलनाडु एक्सप्रेस। और ट्रेन का नाम भी है तमिलनाडु एक्सप्रेस। मुझे इतना पता नहीं क्योंकि बिक्की भाई ने सब कुछ बुक किया है, यहाँ तक कि फ्लाइट भी बिक्की भाई ने बुक करी, सब कुछ बिक्की भाई ने बुक किया। इवन श्रीलंका कौन है और श्रीलंका के भी सारे होटल बिक्की भाई ने बुक करे और बिक्की भाई मेरे साथ इस पूरी ट्रिप में थे। घुमक्कड़ इंडियन नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, तो भाई जिसने जाके नहीं देखा ना सारे ब्लॉग इनके से देखना क्योंकि मेरे से एक दिन पहले ब्लॉग इनके से आ जाते हैं। और आज हम आपका चेन्नई से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, टाइम हो गया आपका 6:21 और अपने इस आलीशान बंगले को छोड़ के हम निकलेंगे आप कहते हैं चेन्नई के रेलवे स्टेशन के लिए और भाई बिक्की निकलते हैं। और पता है फाइनली यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने घर जाने के लिए। क्यों? उसके पीछे वजह है पिछले ना 22 दिन से सच में रोटी खाने को नहीं मिली यार, रोटी खाने को मिली ही नहीं भैया, थक गए भैया पूछते पूछते हर एक दुकान में कि भैया रोटी मिलेगी। भले ही 560 रुपये तक की रोटी हमने ऑर्डर कर दी थी श्रीलंका में, उसके बाद भी साला वो मैदे वाली रोटी मिली, लेकिन कोई बात नहीं, आज चेन्नई से निकल जाएंगे दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद रोटी फुलके खाएंगे, मम्मी के हाथ की हरी सब्जी खाएंगे, भटकी चुरकानी खाएंगे, झोली खाएंगे, डुबके खाएंगे, वो सारे पहाड़ी व्यंजन खाएंगे जो हमारे पहाड़ों में बनते हैं नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो फटाफट से सामान पैक करते हैं और निकलते हैं होटल से बाहर की तरफ। तो भैया जी अपने होटल से निकल के आपके रोहित पहाड़ी भैया चेन्नई के बाजार में आ गए और यहाँ से ना पास में आपका रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मुझे हमारी जो ट्रेन है रात के 10 बजे की आपका चेन्नई से दिल्ली के लिए। तो भैया इस टाइम पे चेन्नई को बाय बाय करने का टाइम है और ऐसे कुछ नज़ारे इसमें चेन्नई के देखो भैया। ट्रैफिक का क्या है भाई साहब, बिल्कुल एक सेकंड की फुर्सत नहीं है यार। मुझे ना यहाँ पे श्रीलंका की याद बहुत आ रही है क्योंकि वहाँ पे ना अगर हमको लोग खड़ा देखते थे ना तो गाड़ी रोक देते थे कि यार पहले पैदल वालों को निकलते थे, लेकिन यहाँ भाई कोई मतलब ही नहीं है कि कोई रुक जाए किसी। अब टाइम हो गया 7:01 और अभी ना 3 घंटे और है मेरे पास और अब पहुंच गया भैया चेन्नई रेलवे स्टेशन के पास में। अब पता है मेरे पास 3 घंटे में क्या करूं, मेरे ना को समझ नहीं आ रहा है कहां काटू जाकर है 3 घंटे भाई में। अब अभी मैंने कहते हैं ऑनलाइन चेक कर लिया अपनी सीट है ना वो भी कन्फर्म हो गई है, तो मैं टाइम काट रहा हूँ कैसे ना कैसे, देखो घूम घूम के टाइम ना मैंने ना बैठे बैठे कम से कम 3 घंटे में 2 मूवी देख ली, सोचो भगा भगा के मूवी देख ली मैंने। लेकिन आप फटाफट चलते हैं वरना ट्रेन छूट जाएगी ना, फिर हम लोग फिर दोबारा हमको यहाँ पर डोसा और इडली और सांभर ही खाना पड़ेगा भाई ना। मैंने आज से पहले ना ट्रेन की जो सफ़र ना बहुत कम ही किए हैं और यहाँ आके ऐसा लग रहा है ना कि शायद ये दिल्ली से भी बड़ा आपका रेलवे स्टेशन है। जहाँ तक मुझे के बाद ना भाई साहब इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है चेन्नई वाला ना गजब ही है और इतने सारे प्लेटफॉर्म पे सारी ट्रेनें बिल्कुल तैयार है जाने के लिए, लेकिन अपना डब्बा था जो S6 ना मुझे मिल गया सामने, ये वाला डब्बा है। और पता है सच बताऊँ तो मैंने अभी शाम के टाइम पे खाना खाया था, अब भूख लगी तो रास्ते में फिर कुछ देख लेंगे ट्रेन में कुछ मिलेगा वरना कोई ना कोई तो स्टॉप मिलेगा यार जाने के लिए, तो एक काम करते हैं अपने ट्रेन के साथ चलते हैं। और ये ट्रेन का नाम है आपका तमिलनाडु एक्सप्रेस, चेन्नई से ही चलेगी दिल्ली ये पहुंचेगी और 11 इसके स्टॉप हैं और समय लगेगी कम से कम 30 से 32 घंटा। और मेरे हाथ में बिस्किट है यार खाने का जुगाड़, अगर रात को खाना नहीं मिला तो इस पे भी आपके रोहित पहाड़ी जिंदा रह सकते हैं। तो और इसका जो किराया है ना वो है आपका 800 कुछ रुपया किराया है, अब मेरे को एकदम से याद नहीं है। ठीक है तो चलो ट्रेन के अंदर चलते हैं। भैया अपनी ट्रेन के अंदर हो गई है अपनी एंट्री, अब जाना है अपनी सीट पे क्योंकि हमारी ना सीट जो थी वो आज मॉर्निंग तक तो कंफर्म नहीं हुई थी लेकिन अभी कंफर्म हो गई है। इस ट्रेन का हाल देख रहे हो कितनी खचाखच भरी हुई है। चलो कि कितना है सीट नंबर? 73 76 24 25 22। जब आया था ना तो उस टाइम पर तो ट्रेन खैर इतनी खचाखच भरी हुई नहीं थी, लेकिन आज जब मैं जा रहा हूँ इस टाइम पर ना बहुत, अभी तो भैया पता है आपका ट्रेन में एक नाटक ये भी होता है ना कि जो लोग बैठे होते हैं उनको हटाना भी पड़ता है कि भाई ऐसी ढमारी है ऐसा बताना पड़ता है। फाइनली भाई अपना
पहुंच गए डब्बे के अंदर और अपनी सीट है ये भैया एक 73, एक है 76। तो कॉर्नर विंडो सीट मिली है आपके रोहित पहाड़ी को। कहने का मतलब है कि जो लास्ट टाइम कचकच हुई थी ना सीट को लेके, इस बार वो नहीं होगी विंडो को लेके। जी फाइनली आपके रोहित पहाड़ी भैया निकल चुके हैं आपका चेन्नई से दिल्ली के लिए, और अगला स्टैंड ट्रेन में बैठे नहीं और 5 मिनट नहीं हुआ और चाय वाले भाई साहब आ गए। तो भाई हमने चाय से अपनी शुरुआत कर दी है, अब ट्रेन में जो जो मिलता रहेगा ना वो आपको हम बताते रहेंगे। तो ये तो भैया जी आपका टाइम हो गया आपका 11:30 से 12, और खाने के लिए ना ट्रेन में आ गया भैया बिरयानी आ चुकी है। तो यहाँ पे आपके पास वेज नॉन वेज और दोनों है, तो आपने वेज ले लिया, हमको पनीर ले लिया। कितने का भैया? 80 रुपये का ठीक है, मतलब इंडियन रेलवे की तरफ से फ्री नहीं है, आपको खरीदना पड़ेगा। और यहाँ बेचने के लिए ना लगभग बार बार आ जा रहे हैं, हर एक घंटे में कोई ना कोई पहुँच जा रहा है। इवन टेस्ट तो खैर उतना कुछ खास नहीं है, बट यह है कि अपने पास ना रात को खाने के लिए कुछ है नहीं, तो फिलहाल इसको खा के ना हम दोनों भाई अपनी भूख और प्यास दोनों मिटा लेंगे। तो भैया जी अभी खाना वाना खा लिया है और सभी लोग ना ट्रेन में सो गए हैं यार अब, क्योंकि 12 बजे का टाइम हो चुका है। तो एक काम करते हैं हम भी अभी सो जाते हैं। और तो भाई साहब लेट तो गए हैं लेकिन ना नींद तो खैर आने से रही, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपका दुरंतो एक्सप्रेस में सफ़र किया था, जब मैं दिल्ली से चेन्नई आया था, तो उन्होंने पिल्लो और क्या कहते हैं ब्लैंकेट भी दिया था, बट इस बार तो ना पिल्लो दिया ना ब्लैंकेट दिया, तो मैं अपने बैग से ही काम चला रहा हूँ। पता नहीं यार अभी यहाँ तो फिलहाल क्या कहते हैं उतनी ठंड नहीं है, लेकिन अपने दिल्ली साइड ना भाई बहुत गंदी वाली ठंड हो रही है। तो अब 2 दिन काटने इस ट्रेन के अंदर, फिलहाल एक काम करते हैं, सारे लोग सो चुके हैं तो मैं भी क्या करूँगा उठ के, ठीक है? तो एक काम करते हैं फिलहाल आराम करते हैं, सोते हैं, कोशिश तो करते हैं, ठीक है? और कल मिलते हैं सुबह एक। तो भाई जी फाइनली आपके रोहित पहाड़ी भैया दिल्ली पहुंच गए हैं, और दिल्ली पहुंचने के बाद ना सबसे बड़ा चेंज आपको क्या देखने को लग रहा होगा ना, वो लग रहा है भैया जैकेट। आपने चेन्नई में या फिर श्रीलंका में ना आपने अपने रोहित पहाड़ी को भैया टी शर्ट पर देखा होगा, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ना जैकेट पहुँच चुकी है। और हमारा जो सफ़र रहा था ट्रेन का वो 2 दिन का रहा था, और मैंने पूरा सफ़र आपको दिखाया नहीं, बिकॉज़ यार सफ़र में क्या दिखाता मैंने ट्रेन में एंट्री करी, खाना खाया और सो गया। उसके बाद डायरेक्ट हमारा जो एग्जिट हुआ है वो आपका दिल्ली के अंदर हुआ है। तो आप दिल्ली यहाँ पहुँच गए तो डायरेक्ट यहाँ से मेट्रो लेके निकलते हैं अपने घर की तरफ। आपका चेन्नई के अंदर था ना, तो वहाँ की मेट्रो में जब मैं जा रहा था भाई, मुझे ना इतना भीड़ तो दिखाई नहीं दी, और बिल्कुल ट्रेन से उतरने के बाद ना मैंने वहाँ से मेट्रो ले ली थी, और मेट्रो ने मुझे भैया छोड़ दिया है आपका मयूर विहार पे। और आज पता है मैं आपको जहाँ लेके जाने वाला हूँ, मतलब उस जगह के आपको पता तो होगा, क्योंकि जब भी मैं दिल्ली आता हूँ ना तो जाता वहीं हूँ, और वहाँ से लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं मुझे कि कब पहुँचोगे कब पहुँचोगे। अब पकड़ते हैं यहाँ से फटक से कोई ऑटो और पहुँचते हैं भैया अपनी डेस्टिनेशन के पास। तो भाई जी यहाँ तो अपने को ऑटो मिल गया, और आज नहीं आ पाऊँगा। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, गुस्सा तो नहीं, पक्का? चल ठीक है, तू पढ़ाई कर, मैं ना धमूला जा रहा हूँ, फिर मैं अगली बार जब आऊँगा दिल्ली तब मिलूँगा, ठीक है? अच्छा तो भैया फाइनली हम पहुँच गए देखो, और मैं ना तानू को कॉल कर रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, और तानू हाय हाय ये क्या हो गया, चश्मा किसने लग गया, चश्मा कब लगा, कैसे लगा? मेरे को दिवाली से भी पहले लग गया है। अरे तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी तानू के घर पे, हमारी प्यारू के घर पे। पहले मेरे को दुकान लेके जाओ। पहले दुकान लेके जाओगे? हाँ। पहले अंदर आके पानी पियेंगे हम यार। ठीक है चलो। और भैया देखो ये हो रहे घर के हालत। हेलो हेलो हेलो। तो भाई फाइनली यार हम लोग ना आपका रेलवे स्टेशन से मेट्रो लेके फटाफट से यहाँ आ गए और घर पहुंच गए यार। अभी ना घर बैठते पहले बड़े चाय पीते हैं, घर पहुंचे। और घर आने के बाद ना सबसे पहले तानी का क्वेश्चन है कि मेरे लिए श्रीलंका से क्या लाए। क्या कहा? कल मेरा पेपर इंग्लिश का। इंग्लिश का? और इंग्लिश में तो तुम्हारे मामा टॉपर है, तो देखा नहीं श्रीलंका में कितनी वो इंग्लिश लिखी ना, मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा। क्या कहा? वो इंग्लिश लिखी ना, मेरे को पासिंग नंबर भी नहीं मिलेगा। जो इंग्लिश मैंने बोली थी वहाँ, तो ये बोली जैसे इंग्लिश में श्रीलंका बोल रहा था वो इंग्लिश अगर मैं लिखूंगा तो मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा, पासिंग नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो तानू के लिए आया है श्रीलंका से। ठीक है, ये क्या है? तो भाई साहब ऐसा ना हम लोग आपका रूम से आगे बाहर मार्केट की तरफ, क्योंकि तानू को ना बहुत सारे प्रिंट कराने थे। तो भैया यहाँ हम दुकान पर आए, तो दुकानदार भाई साहब देखो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे भैया दुकान के फ्रंट सीट पे ना बैठे भैया एक, और इसका नाम है शेर खान। बनू ये कौन है बाबू? शेर खान हैं?
शेर खान का बच्चा। हाँ। शेर खान का बच्चा है ये। हाँ। ये तो बच्चा कितना क्यूट सा बच्चा है, देखो बिल्ली ना अपने बच्चे के साथ खेल रही है। देखो यार, फिर ब्लैक कलर सीट लेनी है और पिंक और ब्लू और पर्पल। पिंक ब्लू और पर्पल, पिंक ब्लू और पर्पल कलर सीट। हमारे टाइम पे तो हम लोग खाली एक वाइट कलर सीट में सारे काम कर देते थे, और ये लोग तो बता नहीं अभी इनको क्या क्या खरीदना है। यार बोल रही पिंक कलर सीट भी लेनी है, ब्लू कलर सीट भी लेनी है, और एक पर्पल भी लेनी है और वाइट भी। तो भाई ये कहानी की ना, पूरी प्रिंटिंग व्रिंटिंग कराने के बाद ना हम लोग आगे भैया हमारे मोमो मास्टर के लिए मोमो लेने के लिए। और भाई मोमो के लेना भाई, इस समय भीड़ देख रहे हो आप कितने लेवल की है। और पिछले पूरे एक महीने की ट्रिप में ना मेरे को पूरे श्रीलंका में ना कहीं मोमो नहीं मिले खाने को, तो आज तो कसर हम भी पूरी पूरी उतारेंगे। ठीक है, तो इसी बहाने मतलब आपका गुन्नू की आड़ में हम भी भैया दिल्ली में मोमो खाएंगे आज। ये पकड़ो मेरे हाथ में सामान, देखो। कोई बात नहीं, सामान सारा तुम्हारा ही है भाई, हमारा थोड़ी है। तानू बोल रही सारा सामान मेरे हाथ में, देख कितना बड़ा सामान है, कितना बड़ा सामान है मेरे हाथ में, देख मेरे हाथ में क्या क्या है। तो चलो फटाफट से घर चलते हैं, क्योंकि अब कहते हैं जीजा जी का भी ना ऑफिस आने का टाइम हो गया और हमारा भी बाजार में घूम। गुन्नू क्या खाएगा वो? मोमो। मोमो, ओके यस मोमो। जब ऐसा है हम लोग आपका मार्केट से आ गए घर की तरफ। हाँ? घर आ गए यार, और पता है बाहर ना बड़ा भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा, और इस मोमो के चक्कर में गए थे हम भाई के। गुन्नू खाई मोमो बाबू? चाय की गैस बंद करी। देखो आते ही भैया ये लग गया मोमो के ऊपर। गुन्नू क्या खाएगा बाबू? मोमो। मोमो खाएगा? गरम गरम हो रहा ना, गरम गरम हो रहा है। चलो गुन्नू को मत खिलाओ। गुन्नू खाना है? हाँ। नहीं खाना हो गया। हाँ। तो भाई साहब चलो इसको मोमो खिलाते हैं, और अब जीजा जी भी घर पे आ गए। और तानू आपका टाइम हो गया आपका 9 बज चुका है, और खाना खाने की ना शुरुआत हो गई है। तो खाने में ना आज ये बेथुआ का रायता बनाया है दीदी ने, मैं वैसे पहली बार खा रहा हूँ। आज से पहले मैंने आपका लौकी का रायता खाया, खीरे का रायता खाया, पपीते का रायता खाया, लेकिन बेथुए का रायता मैं पहली बार खा रहा हूँ अपनी लाइफ में आज। बट कोई नहीं, शायद स्वाद अच्छा होगा। तो जीजा जी भी आ गए ऑफिस से, खाना वाना खा रहे हैं, और ये देखोगे हमारे दो नन्ने मुन्ने। कैसा है रायता? तेरे को अच्छा नहीं लगता है? इसका मतलब अच्छा होता ही नहीं होगा। तो देखो भाई, अगर तुम्हारे पास ना घर में ऐसे आइडिया जुगाड़ नहीं है ना, मतलब घर में स्लाइडिंग वाले के, तो हमारी भांजी से सारे आइडिया आप ले सकते हो। ऐसे सारे गद्दे लगा दिए हैं, उसके बाद बिस्तर लगेगा इसके ऊपर। रुक जा भाई, रुक जा, थोड़ा तसल्ली रख ले। ये लो भैया, अच्छा। अरे बाबरे, ये देख रहे हो भाई, ये देखो। अरे आओ यार, तो देखो हम भी कोशिश कर रहे हैं पूरा खेलने की, क्योंकि ना इनसे मुलाकात यार हो ही नहीं पाती है। मतलब छह महीने तक इनसे मिलना नहीं हो पाता, लेकिन जब मिलना होता है तो इतना शानदार वाला होता है। आ जाओ, देख इधर, देख के बोल, ये बाबू राव का स्टाइल है रे बाबा। चलो आप क्या है, थोड़ी देर वीडियो एडिट कर लेते हैं, वरना कल ब्लॉग नहीं आएगा हमारा।